स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल आर फाइन। ओके, एज यू ऑल ऑफ नो कि आपने कल का टॉपिक पढ़ा था तकसीमे बंगाल शिमला वफद। आज का हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है तहरीके पाकिस्तान और पाकिस्तान का क़याम। सो आज के चैप्टर नंबर 2 में हम ये कुछ कंटेंट्स आपके सामने लिखे हुए हैं, इन कॉन्टेक्ट्स के बारे में हम लोग लर्न करेंगे। मुस्लिम लीग का क़याम 1906, मंटू मार्टे इस्लाहात 1909 में, मिसाके लखनऊ 1916 में, तहरीक खिलाफत 1919 में, तहरीक अदम ताउन 1920 में। हम इन पॉइंट्स के जरिए लर्न करेंगे कि तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान का क्याम क्या था और उसके अंदर कौन से वो पॉइंट्स थे। अब उन पॉइंट्स के बारे में हम लोग क्या करेंगे, लर्न करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपका जो टॉपिक है मुस्लिम लीग का क्याम 1906 में। मुस्लिम लीग का क्याम जो 1906 में हुआ था उसके बारे में क्या था इंट्रोडक्शन। 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग का क्याम अमल में आया। कब हुआ था? 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग का क्याम अमल में आया। इसके अहम कुछ मुहरकात थे। सबसे पहले क्या था? तकसीमे बंगाल 1905 और हिंदुओं का रद्द अमल। नंबर 2 में उन्होंने कहा था अंग्रेजों का रवैया कैसा था। जब मुस्लिम लीग का क़याम हुआ था 1906 में तो अंग्रेजों का रवैया क्या था? मुसलमानों का एहसास से महरूमी। और उन्होंने उस चीज का कॉन्सेप्ट दिया था कि 1906 में जब मुस्लिम लीग का क़याम आया था तो क्या रद्द अमल था, क्या वो मुहरिकात थे। तो उस मुहरिकात में एक अमल ये भी था, मुसलमानों का एहसास से महरूमी। उसके बाद था मुसलमानों को सियासी तौर पर नजरअंदाज किया जाना। ठीक है, मुसलमानों को किस तरह सियासी तौर पर नजरअंदाज किया गया था वो इस पॉइंट के अंदर उन्होंने हाईलाइट किया। इन मुहरकात की वजह से, किन मुहरकात की वजह से? एक, हिंदुओं का रद्द अमल, सेकेंड अंग्रेजों का रवैया, थर्ड क्या था? मुसलमानों का एहसास महरूमी, नंबर 4 मुसलमानों का सियासी नजरअंदाज करना। इन मुहरकात की वजह से जो अंग्रेज ताउन की वजह से दब गए थे हरिक हुए और एक मुश्तरका सोच के दायरे में आ गए। मुसलमान लीडर जो इकट्ठे होकर वायसराय हिंद से मिलने शिमला गए, वापस आकर अपने आप को सियासी तौर पर मुनज़्ज़िम कर लिया। मुस्लिम लीग के क्याम के चंद सीधा मकासद दर्ज थे। नंबर 1 पॉइंट क्या था? जब 1906 में मुस्लिम लीग का क्याम आया, मुसलमानों में बरतानवी हुकूमत के लिए वफादाराना जज्बात पैदा करना। ठीक है, सबसे पहला जो पॉइंट था उसमें था कि मुसलमानों के लिए वफादाराना जज्बात पैदा करना और हुकूमत की कार्रवाइयों के बारे में इनके शकूक व शुबहात को दूर करना। और जो भी शकूक व शुबहात थे उन्होंने उस मुस्लिम लीग क़याम 1906 में जो हुआ था उन्होंने वो दूर किए। सेकेंड पॉइंट था मुसलमानों के सियासी हकूक की हिफाजत करना, यानी कि वो किस तरह मुसलमानों के सियासी और उनके मुआशी हकूक की हिफाजत करते थे जिसकी वजह से मुसलमान अपनी एक अलहदा वतन में अपनी जिंदगी गुजार सके। उसके बाद है मुस्लिम लीग के मुतरजन मकासद को नुकसान पहुंचाए बगैर बरे सगीर की दूसरी अकवाम से ताल्लुकात को इस्तवार करना। ठीक है, इस मुस्लिम लीग का क्याम जो था 1906 में उसमें था कि सबसे पहले मुसलमानों को, एक तो आपने लर्न किया तकसीमे बंगाल, 1906 में हिंदुओं का रवैया, अंग्रेजों का रवैया, मुसलमानों का एहसास से महरूमी और मुसलमानों को सियासी नजरअंदाज किया जाना। उसके बाद जो बरतानवी मकासद थे उसमें वफादाराना जज्बात को पैदा करना, मुसलमानों की कार्रवाइयों के बारे में उनके शकूक व शुबहात को दूर करना, उनके सियासी हकूक की हिफाजत करना और उनका मुतालबा हकूक के सामने पेश करना। उसके बाद है मुस्लिम लीग के मुतरजन मकासद को नुकसान पहुंचाए बगैर बरे सगीर की दूसरी कौमों के सामने इस्तवार ताल्लुकात को इस्तवार करना। उसके बाद हमारा क्या था पॉइंट, मंटू मार्टे ने इस्लाहात में 1906 में क्या कहा था ये हम स्टडी करेंगे। 1905 में तकसीमे बंगाल की वजह से मुल्क में सियासी बेचैनी बढ़ गई थी। हिंदू और मुसलमान दोनों अलग कौमें हैं, मुसलमान एक दूसरे से क्या थे, बेजार होते जा रहे थे। हालात की नजाकत को भांपते हुए वजीरे हिंद मिस्टर मार्ले और गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो ने मिलकर हिंदुस्तान के लिए कुछ इस्लाहात मुरतब की, क्योंकि हिंदू और मुसलमान एक ही जगह पे बिल्कुल एक साथ नहीं रह सकते थे। बरतानवी पार्लियामेंट ने इन इस्लाहात को एक्ट 1909 के नाम से पास किया। आमतौर पर इन इस्लाहात को मिंटू मार्ले इस्लाहात के नाम से याद किया जाता है। इन इस्लाहात के तहत मरकजी और सूबाई कानून साज कौंसलों में तौसीह कर दी गई और इनके अरकान की तादाद में क्या कर दिया, उन्होंने इजाफा कर दिया। इन इस्लाहात के तहत मरकजी और सूबाई कानून साज कौंसलों में तौसीह कर दी गई और उनके अरकान की तादाद में क्या कर दिया, इजाफा कर दिया। जुदागाना इंतखाब का तरीका राइज करने की भी क्या कर दी, मंजूरी दे दी। कब मंजूरी कर दी गई थी? 1909 में मंटू मार्टे के इस्लाहात में उन्हें
जुदागाना इंतखाब के राज करने की मंजूरी दे दी गई। मुस्लिम लीग ने जुदागाना तरीके इंतखाब के नफाज को खैर मकदम किया और अपनी कामयाबी करार दिया। ठीक है, कब करार दिया? मिंटो मार्ले की इस्लाहात 1909 में। ये मुतालबा शिमला वफद के मेंबरान मुसलमानों ने 3 साल कबल यानी 1906 में लॉर्ड मिंटो ने मुलाकात के दौरान किया था। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमने उसके आम में क्या था, अंग्रेजों का जो रवैया था उनके हकूक के बारे में थे और उनको सियासी तौर पर नजरअंदाज किया जा रहा था। उसके बाद मिंटो मार्ले ने जो इस्लाहात की, बिकॉज हिंदू और मुसलमान दो एक अलग कौमे हैं और वो दोनों एक दूसरे से क्या थे, बेजार थे, इसलिए मिंटो मार्ले ने एक अलग नजरिया पेश किया और उसके बाद उन्होंने उस इस्लाहात को सूबाई कानून काउंसिलों में तोसी कर दिया और उनके इतदाद में क्या कर दिया गया था, इजाफा कर दिया गया। तहरीक इंतखाब का तरीका राय करने की मंजूरी भी दे दी कि मुस्लिम लीग ने जुदागाना तरीका इंतखाब के नफाज को खैर मकदम किया और उन्हें अपनी कामयाबी का करार दिया। ये मुतालबा शिमला वफद के मेंबरान ने 3 साल कबल यानी 1906 में लॉर्ड मिंटो से मुलाकात के दौरान किया। उसके बाद मिसाके लखनऊ में क्या हुआ था, 1916 में लखनऊ में मुस्लिम लीग का कांग्रेस का मुश्तरका इजलास हुआ। दोनों पार्टियों के दरमियान एक मुआहिदा तय पाया जिसे क्या कहा जाता है, मिसाके लखनऊ का नाम दिया गया। इस मुआहिदे में पहली बार मुसलमानों को एक अलग कौम तस्लीम किया गया कि मुसलमान अपनी मर्जी से अपने रिवायात के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर कर सकते हैं और जुदागाना इंतखाब के मुतालबे को तस्लीम किया गया ताकि जो अलग नजरिया एक पेश किया गया था कबल अजीम 1909 में मंटो मार्ले की इस्लाहात में, इस मुतालबे को हुकूमत पहले ही तस्लीम कर चुकी थी कि हिंदुस्तानों को एक जुदागाना इंतखाबात के सिलसिले में तस्लीम कर लिया गया था। मिसाके लखनऊ की बदौलत कायदे आजम को हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफीर करार दिया गया। ठीक है, मिसाके लखनऊ में 1916 में जो करारदादा हुई थी उसमें मुस्लिम लीग का कांग्रेस का एक मुश्तरका इजलास हुआ, दोनों पार्टियों के दरमियान एक मुआहिदा तय पाया जिसे मिसाके लखनऊ का नाम दिया गया था और इस मुआहिदे में मुसलमान पहली बार एक अलग कौम को तस्लीम किया गया और जुदागाना इंतखाबात की तस्लीम किया गया। 1909 में मंटो मार्ले इस्लाहात में इस मुतालबे को हुकूमत पहले ही तस्लीम कर चुकी थी कि मिसाके लखनऊ की बदौलत कायदे आजम को हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफीर करार दिया गया। ग्रेट अचीवमेंट ऑफ मिसाके लखनऊ ऑफ 1916। नेक्स्ट टॉपिक इज तहरीके खिलाफत 1914 में शुरू होने वाली पहली जंग अजीम में तुर्की ने अंग्रेजों के खिलाफ जर्मनी का साथ दिया। ठीक है, कब उन्होंने साथ दिया, 1919 में पहली जंग अजीम जो थी तुर्की ने अंग्रेजों का के खिलाफ जर्मनी का साथ दिया। जंग में जर्मनी और उसके हलीफों को शिकस्त हुई। जंग के खात्मे पर अंग्रेजों ने अपने हलीफों के साथ मिलकर तुर्की को सऊदी अरब, शाम, इराक, फलस्तीन और उर्दन के इलाकों से क्या कर दिया, महरूम कर दिया। किनको महरूम कर दिया, सऊदी अरब, शाम, इराक, फलस्तीन और उर्दन इलाकों से महरूम कर दिया, जिससे तुर्की का वजूद क्या था, खतरे में पड़ गया। इस तरह तुर्की की खिलाफत को बचाने के लिए बरेसगीर के मुसलमानों ने 1919 में एक मुल्कगीर तहरीक का आगाज किया जिसे तहरीक खिलाफत के नाम से याद किया जाता है। इस तहरीक के मकासद क्या थे, दर्ज ज़ैल थे। फर्स्ट, तुर्की की खिलाफत कायम रहेगी। सेकंड, मुसलमानों के मुकद्दस मकामात तुर्कों की हिफाजत में रहेंगे। फर्स्ट पॉइंट, तुर्की की खिलाफत कायम रहेगी, मुसलमानों के मुकद्दस मकामात तुर्कों की खिलाफत में रहेंगे, तुर्की की हदूद में तब्दीली कोई भी नहीं आएगी क्योंकि जो उन्होंने नजरिया 1914 में शुरू होने वाली पहली जंग अजीम में तुर्की ने अंग्रेजों के खिलाफ जर्मनी का साथ दिया था तो उनमें था तुर्की की खिलाफत कायम रहेगी, मुसलमानों के मुकद्दस मकामात तुर्कों की हिफाजत में रहेंगे और तुर्की की हदूद में कोई भी तब्दीली नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद तहरीक अदम तआवुन 1920 में क्या था, इस तहरीक के अहम हस्बे-ए-ज़ैल मकासद हैं, हुकूमत के साथ अदम तआवुन, किस तरह वो हुकूमत के साथ रह के उनके अदम तआवुन का साथ देंगे, सरकारी मुलाजमतों को तर्क करना, जो भी जिनकी भी गवर्नमेंट जॉब थी उनको क्या करना था, तर्क करना था, किसमें, तहरीक अदम तआवुन में। फौज में मुसलमानों का भर्ती ना होना, यानी कि मुसलमानों को फौज में भर्ती नहीं होते कि वो मुल्क के लिए कुछ ना कुछ कर ना सके। अंग्रेजी मसनूआत का बायकॉट, ठीक है, अंग्रेजी जो इतनी भी मसनूआत थी उनका क्या करना था, बायकॉट करना था, अदालती बायकॉट, अदालतों के साथ बायकॉट करना, बच्चों को स्कूल और कॉलेजों में ना पढ़ाना, इट्स अ बिग लॉस, बच्चों को स्कूल और कॉलेजों में ना पढ़ाना यानी उनको तालीम से क्या करना, महरूम रखना,
अंग्रेजों के अता करदा खताबात वापस करना और उनके जितने भी खताबात हैं उनको क्या कर देना, वापस करना। सो इस तरीके पाकिस्तान में, यानी जब पाकिस्तान का कयाम आया था, जब बरेसगीर में 712 में मोहम्मद बिन कासिम की फतह शुरू हुई थी, तो मुगल बादशाह अंग्रेज के वफात के बाद मुसलमान हुकूमत के जवाल के सार नमूना थे। इसके चंद ही साल बाद जैसे शाह वलीउल्लाह की शक्ल में एक मुजद्दी मंजर पर आ जाने से बरेसगीर में इस्लाम के अहया और मुसलमानों के इस्तकलाल पर जोर दिया गया। सेम नेक्स्ट उसमें सर सैयद अहमद खान ने तहरीक अलीगढ़ के जरिए जो बात पेश किए, उसके बाद तकसीम बंगाल का जो सिलसिला स्टार्ट हुआ 1905 में, उसमें क्या हुआ था, बरतानवी हिंद में बढ़ता बंगाल का सूबा आबादी और रकबे के लिहाज से तमाम सूबों से बड़ा था, जिनका यहाँ का इक्तिसादी और मुआशरती निज़ाम क्या था, हिंदुओं के कंट्रोल में ही था। उसके बाद शिमला वफद में आपने अंडरस्टैंड किया कि 1906 में हुई थी शिमला वफद, आपके लिए इनकी डेट्स को लर्न करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, ताकि आपके बोर्ड के एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आए आपको इनकी डेट्स के बारे में आइडिया हो। तकसीम बंगाल में हिंदुओं के रवैये के पेश नज़र मुसलमानों ने अपने हकूक़ के तहफ़ के लिए एक नए रास्ते का इंतखाब किया, जिसे 1 अक्टूबर 1906 को मुसलमानों के एक सियासी वफद का सराफ खान की आदत में अपने मुतालबात लेकर वाइसराय हिंद लॉर्ड हंटो से शिमला, जिसमें मुसलमानों ने जुदागाना इंतखाब का मुतालबा किया। उसके बाद मुस्लिम लीग का क्याम अमल में आया। कब मुस्लिम लीग का क्याम आया था, 1906 में। मुस्लिम लीग का क्याम कब आया था, 1906 में। ठीक है, आपके लिए इन डेट्स को लर्न करना बहुत जरूरी है। मुस्लिम लीग का क़याम अमल 1906 में आया था, लेकिन ये स्टार्ट कब हुआ था, 30 दिसंबर को 1906 में ढाका के क़याम में मुस्लिम लीग अमल में आया था। और ये कब आया था, 30 दिसंबर को 1906 में ढाका के मुकाम पर। ठीक है, अभी आपके लिए इंटरेस्ट होगा कि मुस्लिम लीग का क्याम 1906 में हुआ और ये कब हुआ था, 30 दिसंबर 1906 में ढाका के क्याम पर अमल में आया था, जिसके अंदर कुछ मौलिकात थे। एक था तकसीम बंगाल, तकसीम बंगाल आपने लर्न किया था अभी प्रीवियस टॉपिक में, 1905 में अंग्रेजों का रवैया, एहसास महरूमी और सियासी तौर पर नजरअंदाज किया जाना। उसके बाद मिंटो वार्ले की इस्लाहात थी, और ये कब थी, 1905 में तकसीम बंगाल की वजह से मुसलमानों की सियासी बेचैनी बढ़ गई थी। मुसलमानों की सियासी बेचैनी कब बढ़ गई थी, 1905 में मुसलमानों की सियासी बेचैनी क्या थी, बढ़ गई थी, जिसकी वजह से दो कौमें हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकते थे। उसके बाद क्या थे, मिसाके लखनऊ 1916 में स्टार्ट हुआ था मिसाके लखनऊ का, लेकिन 1916 में मुस्लिम लीग कांग्रेस का इजलास मुशतरका हुआ, जिसमें दोनों पार्टियों, कौन सी पार्टी, हिंदू और मुसलमान जो थे, उनके एक मुआहदा तय किया, जिसे मिसाके लखनऊ का नाम दिया गया। उसके बाद तहरीक खिलाफत 1919 में स्टार्ट हुई। तहरीक खिलाफत कब स्टार्ट हुई थी, 1919 में। ठीक है, 1914 में शुरू होने वाली पहली जंगी अजीम में, अगर आपके पास ये एमसीक्यूज भी आते हैं कि पहली जंगी अजीम कब स्टार्ट हुई थी, 1914 में पहली जंग अजीम स्टार्ट हुई थी। ठीक है, पहली जंग अजीम जब स्टार्ट हुई थी 1914 में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, इसमें तुर्की ने अंग्रेजों के खिलाफ जर्मनी का साथ दिया था, जिसकी वजह से एक मुआहदा तय पाया था। ठीक है, और अंग्रेजों ने अपने खलीफों को मिलाकर सऊदी अरब, शाम, इराक, फलस्तीन और उर्दन के इलाकों से क्या कर दिया था, उन्हें महरूम कर दिया था, और जिसकी वजह से तीन उनके पॉइंट थे, तुर्की की खिलाफत को खत्म कर दिया जाए, कायम रखा जाएगा, मुसलमानों के मुकद्दस मकामात तुर्कों की खिलाफत में रहेंगे, तुर्की की हदूद को तब्दीली ना की जाएगी। उसके बाद तहरीक अदम ताउन 1920 में स्टार्ट हुआ, इसमें कुछ मौलिकात थे। तहरीक अदम ताउन कब स्टार्ट हुआ था, 1920 में। इसके अहम मकासद दर्ज हैं, हुकूमत के साथ अदम ताउन, सरकारी मुलाजमतों को तर्क करना, फौज में मुसलमानों का भर्ती ना होना, मुसलमानों को फौज में भर्ती नहीं होने देते थे, अंग्रेजी मसनूआत का बायकॉट करना और अदालती बायकॉट करना, बच्चों को स्कूलों और कॉलेजों में ना भेजना, अंग्रेजों के अता करदा खताबात को वापस करना। ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक था, मुस्लिम लीग का क़याम, मंटू मार्ले इस्लाहात, मिसाके लखनऊ 1916, तहरीके खिलाफत 1919 एंड तहरीक अदम ताउन 1920। ये सारे पॉइंट्स आपने बेटा लर्न करने हैं, आपकी डायरी भी आज की यही है कि आपने होमवर्क भी इसी को ही सारे पॉइंट्स में अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने हैं। जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आपको लर्न करना भी क्या होगा, बहुत ईजी होगा। तो आपने इसको मेनी टाइम रीड आउट भी करना है और लेक्चर्स को केयरफुली सुनना भी है। वीडियो लेक्चर्स आपके पास अवेलेबल होंगे यूट्यूब चैनल्स पे। यू मस्ट सब्सक्राइब आवर गैरिसन चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।